में बड़ी बदतरीन तबाही आई है, और तबाही इतनी बुरी है कि मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर हैं अब्दुल कदूस तौनसा शरीफ से ही, ये आपको कुछ भयानक स्टोरीज बताएंगे कि एंड टाइम पर सायरन बजाए गए हैं और एक ही ख़ानदान के नौ नौ अफराद भी जो है वो उसमें बह गए हैं। कितना सैलाब है, 2010 से बुरा है, क्योंकि मैं तो क्लेम कर रहा हूँ जो लोग आके हमें बता रहे हैं कि 2010 से बुरा सैलाब है। हाँ जी बिल्कुल सर, ये 2010 से बहुत ज़्यादा सैलाब है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना इंसानी जानों का नुकसान हुआ था, लेकिन अभी इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है, उसके बाद दूसरे जानवर वगैरह और चीज़ें भी हुए हैं, मकान वगैरह का भी बहुत नुकसान हुआ। तो आप पुलिस में हो, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है वहाँ? रेस्क्यू ऑपरेशन तो हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है, सब महकमे जो है अच्छे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात नहीं है। बाकी नुकसान होने को कौन रोक सकता है, आफात वगैरह वो सर। लेकिन एंड टाइम पे सायरन बजाए गए थे, सुनते तो यही है, लेकिन सर अभी अल्लाह को पता है। सही है। तो बहरहाल इसमें कल मेरे पास एक फैमिली आई थी, वो सो रही थी, वो कहती कि एंड टाइम पे सायरन बजे और 20 फुट से ऊपर पानी का सैलाबी रेला तौनसा शरीफ में दाखिल हुआ, और रातों ही रात लोग, क्योंकि जाहिर है एक्सकवेशन तो हो नहीं सकती वहाँ, ये तो है नहीं कि स्पोर्टेज गाड़ी खड़ी और रातों रात लोग निकल गए, वो पिंडों देहातों में बेचारे गरीब, ना कोई सवारी ना कुछ और, तो वो फिर सैलाबी रेला ही उनको सारा बहा के ले गया, और जो अमवात बताई जा रही हैं मीडिया पर वो बहुत कम है। अब उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली समझ लें कि दरियाए सिंध ही दाखिल हो गया, ठीक है, अब पूरा दरिया ही दाखिल हो जाए अब शहर में, अब आपको उस दरिया में नहीं पता, अब एक्सीडेंट होता है आप बता सकते हैं जी 20 सवारियां बैठी थी, 18 मर गए हैं, दो बचे में, अब सैलाब में आपको पता ही नहीं है शहर में, और वो वहाँ वहाँ घुसा है, जब कोहे सुलेमान को उसने कवर कर लिया है, बलूचिस्तान ये जो सारा इलाका है, डीजी खान और ये सब, कोहे सुलेमान भी अंदर आया ना, कितना चढ़ गया कोहे सुलेमान पे? कम अज़ कम सर 20 फुट में तो उसका पानी है सर, 20 फुट। अब 20 फुट आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि कितना गहरा पानी होता है, तो ये टोटल मुकम्मल डिवास्टेशन हो गई है, और रिलीफ वो नहीं है जो 2010 के सैलाब में था, ये मैं रिपोर्टेडली कह रहा हूँ, रिलीफ वो नहीं है। आप अवामी रिस्पांस देख लें, 2010 में हालात बिल्कुल फ़र्क थे, 2022 में रिलीफ वो नहीं है, मीडिया चीखना भी मीडिया का वैसा नहीं है सोशल मीडिया पर, लेकिन उस टाइम तो सोशल मीडिया 2010 में इतना ताकतवर नहीं था जो आज है, लेकिन उस टाइम दूसरा मीडिया बड़ा, अभी आप देखें आपको मीडिया कितनी कवरेज दे रहा है, कोई कवरेज नहीं दे रहा, कितने अब आके मोबिलाइज हुए हैं, अब क्योंकि सारा फोकस ही पॉलिटिकली दूसरी तरफ है, तो इस तरफ तबाही तबाही है। थैंक यू वेरी मच।